नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल। तो अगर आज के अपने स्टॉक की बात करें, जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम से। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा ताकि आपके पैसे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, अगर डिटेल की बात करें तो ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था 4874 रुपये पे। अगर वहीं गिरावट की बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिला था 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 1783 रुपये तक ये शेयर गिर चुका था, जो कि 27 मई 2020 को, यानी कि जब मार्केट क्रैश हो रहा था उस टाइम इस शेयर ने अपना लो बनाया था 1783 रुपये। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो इसमें जो रिकवरी हुआ था वो काफ़ी शानदार हुआ था। आप देखेंगे 5822.20, जो कि 16 फरवरी 2021 को इस कंपनी ने बनाया था, और उसके बाद से ये शेयर आप देखेंगे लगातार गिरावट ही कंटिन्यू हो रही है। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो 43.90% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की अगर बात करें तो आप देखेंगे 12,74,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। दोस्तों, अगर इनके थोड़ा सा फंडामेंटल यानी थोड़ा सा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी काफ़ी कमाल है, यानी कि जिस तेज़ी के साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है वो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये एक मल्टी बैगर है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें बिल्कुल भी विदाउट डाउट। यानी शेयर नीचे जाता है तो आप और ख़रीदारी करें, ऊपर जाता है तो ऑलरेडी आपके पैसे ग्रो कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा इनके फंडामेंटल पर ही ध्यान दें तो आप देखेंगे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 53% का रिटर्न आपको देखने को मिला है, 5 साल की बात करें तो 47%, अगर 3 साल की बात करते हैं तो 36%, 1 साल की बात करें तो 91% तक का देखने को मिल गया है डिटेल। अगर इनके बात करें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखेंगे जो 5 साल का डेटा है वो 42% का है, 3 साल में भी 42%, 1 साल में जो कि TTM की बात करें तो आप देखेंगे -27, क्योंकि कोरोना के केसेस के कारण उनका बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं चल पाया। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 5 साल में 37%, 3 साल की बात करें तो 38%, जबकि अगर TTM की बात करें तो 11%, यानी कि जो इनका सेल है, जो प्रॉफिट है, जो स्टॉक प्राइस CAGR है, लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो इस शेयर को किसी भी प्राइस पर आप खरीद सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसा शेयर है जिसको हर प्राइस पर आप खरीद सकते हैं और जितना नीचे जाए उतना ज़्यादा खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, और डिटेल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1 साल में 90.93% का रिटर्न देखने को मिला है, 1 महीने की बात करें तो ये शेयर 10% करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है इस शेयर को उठाने का। हालांकि अगर लॉकडाउन वगैरह केसेस बढ़ेंगे तो इसका शेयर और ज़्यादा नीचे जाएगा, और जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना आप एवरेज करते रहिए या फिर इसकी क्वांटिटी उठाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। पी की बात करें तो 54 के पी चल रहा है, जबकि सेक्टर पी की बात करें तो जो कि 31 का है। देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो ये शेयर लगातार गिरावट ही चल रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से इसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लगातार शेयर नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। तो देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर उस पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, जो पहला इनका सपोर्ट मुझे लग रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर 2-3 बार इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है, वो लेवल है इसमें 4828 रुपये का। अगर ये लेवल वहाँ पे जाके सपोर्ट लेता है, क्योंकि 4872 रुपये भी इस टाइम ये शेयर चल रहा है, तो ये लेवल इनके लिए सपोर्ट साबित तो हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो क्या होगा, तो दोस्तों ये शेयर और नीचे जाएगा। कहाँ तक जा सकता है, 4750 रुपये आप कह सकते हैं, 4750 रुपये का नेक्स्ट इनका सपोर्ट पड़ेगा, जो कि आप देखेंगे इसमें भी कई बार इसने अटैम्प्ट करके वहाँ से बाउंस बैक किया, यानी कि जब इससे पहले इसमें गिरावट कंटिन्यू हो रहा था तो आप देखेंगे वहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक फिर से किया था, और फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक किया और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिला था उस टाइम आपको। तो उम्मीद किया जा सकता है कि यह लेवल फिर से, यानी 4700 तक का लेवल जो इनके लिए है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी क्या मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सारे बिजनेस इफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का बिजनेस इफेक्ट होगा, लगभग जितने भी बिजनेस चलते हैं, जैसा कि आपने मार्च में देखा था 2020 में, सेम हालात फिर से होने के केसेस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं और डिटेल क्या बन सकता है।
तो जैसा मैंने कहा कि यह वह शेयर है जिसको हर प्राइस पे बाई किया जा सकता है। जितना ये शेयर नीचे गिरे उतनी ज़्यादा एवरेज आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शेयर इतना अच्छा है, जितनी क्वालिटी है, जैसा आपने देखा 2020 में इसमें इतनी भारी गिरावट देखने को मिला, 1700 रुपये के बीच में चला गया था, यानी 1780-90 तक जा चुका था। लेकिन फिर से जो बाउंस बैक हुआ वो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा बाउंस बैक था। ये शेयर 5800 रुपये तक फिर से आ गया। तो यही है अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदने का फ़ायदा, कि वो जितना गिरते हैं उतना एवरेज। अब सोचिए जो 1700, 1790, 1820, 2000 रुपये भी जो खरीदा होगा उसके पैसे कितने ज़्यादा गुने हो चुके होंगे। तो यही फायदा है, इसीलिए कहा जाता है कि बड़े आप अच्छे शेयर जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। लेकिन इसका डिटेल थोड़ा सा और डीपली देखते हैं, यानी कि वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या डिटेल बनता है। तो आप देखेंगे वीकली चार्ट पे भी सेम डिटेल आपको बनेगा। इस पर भी इसने कई बार सपोर्ट लिया, जो कि वही लेवल है कि आपको देखने को मिल जाएगा 4700 का लेवल, उसी के आसपास आप देखेंगे यह शेयर कई बार सपोर्ट लिया, कई बार रेजिस्टेंस का भी सामना कर किया है। तो मुझे लगता है कि यह लेवल तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, और यहाँ पे सपोर्ट लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर ये शेयर आप जाए देख सकते हैं बहुत ही नीचे आ सकता है। तो यहीं पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इनके बायर हैं वो भी यही लेवल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये लेवल टच होगा बायर एक्टिव हो जाएंगे, बायर खरीदारी करेंगे तो शेयर फिर से ऊपर जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।